का बाजार, मैं हूँ दीपाली राणा। नमस्कार, मैं हूँ सुमित। और मार्केट्स जो कि अभी तो फिलहाल दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं, कुछ एक बाइंग यहाँ पर जरूर आते दिखाई पड़ी है, लेकिन सेलेक्टिव बाइंग आज भी जो एक देखी जा रही है वो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में है। मार्केट्स मोर और लेस 26 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, बहुत बड़ा दायरा नहीं है लेकिन फिर भी एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव जैसे कि एशियन पेंट्स नंबर्स के बाद आपके सामने 7% ऊपर, अदर यही नहीं पूरा स्पेस ही एक जोरदार तेजी के साथ कामकाज करेगा 6 नंबर्स के बाद। इसके अलावा छोटे मझौले शेयरों तो बाइंग देखी जा रही है, जीएसटी के इम्पैक्ट पूरे लॉजिस्टिक्स स्पेस पे भी है, वहाँ पर भी खरीदारी है और करीब करीब 2.5 से लेकर 5% तक का मूव यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे जीएसटी को लेकर अब जो राह है थोड़ी और आसान होती दिखाई पड़ रही है। एंसिलरी में कुछ नंबर्स आए हैं स्पेशली लूमेक्स ऑटोटैक के, उसके बाद से ही बाइंग है और पूरे स्पेस में काफ़ी हलचल है, काफ़ी बज बना हुआ है, 1.5 से लेकर 14% तक ऊपर आता है, जिसके नंबर अच्छे हैं वो एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रहा है। आरपीजी लाइफ साइंसेज न्यूज फ्लोज का इम्पैक्ट और उसी का इम्पैक्ट पूरे स्मॉल कैप मिड कैप फार्मा स्पेस में, और अदर ये लगातार दूसरा तीसरा दिन है जबकि बाइंग देखने को मिली फार्मा स्पेस के अंदर। बिल्कुल, लगातार छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स और एंसिलरी स्टॉक्स ये कुछ चुनिंदा पॉकेट्स है जो कि लगातार मूव कर रही है। इनफैक्ट एनबीएफसी स्टॉक्स हमारी स्क्रीन पर, जहां पर हमने बीते कुछ सत्रों से नहीं बल्कि 3-4 महीने से लगातार खरीदारी देख रहे हैं, अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स को ड्रैग कर रही है। और आज भी आप देखिए उज्जीवन फाइनेंस, इक्विटास, मुथूट, मनापुरम, भारत फाइनेंशियल अच्छा मूव लेकर ट्रेड कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई पर ये कुछ शेयर्स आपकी स्क्रीन पर, जिनमें सिटी यूनियन बैंक, इंडियन ह्यू पाइप्स आफ्टर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स एक स्ट्रॉन्ग मूव, मुथूट फाइनेंस कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है प्रीवियस अर्निंग से ही, आरपीजी लाइफ साइंसेस, टीएन न्यूज प्रिंट स्ट्रॉन्ग मूवर्स ये हैं। और ऑल टाइम हाई पे ही कुछ और शेयर्स जो कि ट्रेड कर रहे हैं उनमें जीवन फाइनेंस, वी गार्ड, रामा स्टील ट्यूब्स, सेट एंड क्रेडिट केयर और क्वेस्ट कॉर्प के शेयर्स हैं। 52 वीक हाई वाले शेयर्स भी देख लेते हैं, उनमें कैपिटल फर्स्ट, फिलाटेक्स इंडिया, गुजरात एल्कलीज, एलएनटी फाइनेंस और गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स हैं। लेकिन चलिए अब आपकी तमाम क्वेरीज को हम शो में शामिल करेंगे। दो जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं, आशीष अंदानी है और राजेश गुप्ता है। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का, शेयर लिखिए, शेयर हमारा की वर्ड है, अपना सवाल लिखिए, अपने शेयर का नाम लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, टोल फ्री नंबर है 1800-1803545, दूसरा नंबर है 0120-4258237 और साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर 7840024×0। पहले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर सुभाष है कोलकाता से। गुड मॉर्निंग सुभाष, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग, मेरा पास एमटी ऑटो है, 100 शेयर है, 82 रुपीज का भाव में, कितना दिन इसको रख सकता हूँ, 6 महीना ऑलरेडी। आपने कब खरीदारी की है ये सुभाष? 6 महीने पहले। तो आप लकी हैं कि आपका परचेजिंग प्राइस वापस आ पाया है, क्योंकि काफी 52 से वापस 52 के आने के बीच में काफी उथल पुथल शेयर में रही है। लेकिन चलिए आपके लिए कमेंट्स ले लेते हैं एक्सपर्ट्स के। आशीष अंदानी है हमारे साथ, गुड मॉर्निंग आशीष। एमटेक ऑटो में क्या करना चाहिए, लगातार चौथा या पांचवा सेशन है जब स्टॉक में रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। इनफैक्ट बीते 3-4 सत्रों में तो हमने 8-10% तक का उछाल देखा है शेयर में, अभी भी 1% ऊपर है, इनके परचेजिंग प्राइस पर आ चुका है, निकल आए बाहर या फिर होल्ड रखें? नहीं बिल्कुल, आप जैसे देखिए न्यूज़ में भी आज था कि कंपनी नॉन कोर एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के विचार कर रही है और मेरे ख्याल से उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा जो उनका डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूड है, मार्केट ने भी इसको थम्स अप दिया है, तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रखें। एक जो स्टॉप लॉस टेक्निकली बनता है 42 के आसपास का बनता है और अगर 55 के लेवल को टेकआउट करता है तो मेरे ख्याल से 65-70 तक के जोन्स आएंगे, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल न्यूज़ की हम अगर ड्रॉ डाउन करें तो एडवांटेज जो है मुझे लगता है यहाँ से 10-15 रुपये का और इसमें मूव ऊपर का बचा है, तो 65-70 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से एक बार एग्जिट करना चाहिए, फिर देखें क्या न्यूज़ क्लैरिटी आएगी, अगर इनको फिर थोड़ा नीचे मिलता और अगर इसी स्टॉक में एंटर करना चाहते हैं तब एंटर करें, तो मेरी सलाह इनको रहेगी सेल ऑन राइस ही अभी होल्ड करके रखें। जी, तो एमटेक ऑटो को लेकर आपको राय दी जा चुकी है, 51-20 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा, बने रह सकते हैं आप इसके अंदर। विभूति से बातचीत कर लेते हैं, उदिशा से मौजूद है, सिम्फनी को लेकर शायद इनका सवाल है। विभूति आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर सुन पा रहे। जी क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ सिम्फनी लिए थे सर, 2560 में। ओके, और क्या टाइम फ्रेम रखते हैं आप इसमें? सिम्फनी 2560 में लिए थे। टाइम फ्रेम क्या है सर आपका इसमें? जी राजेश, इनका सवाल सिम्फनी पर है, रिसेंटली नंबर्स आए इसके, नंबर्स के बाद बहुत बड़ा मूव तो नहीं है, 18-19 रुपए शेयर अभी भी ऊपर कामकाज कर रहा है, आपकी राय कहती है इस पर? देखिए स्मिथ, सिम्फनी मैं समझता हूँ होल्ड करना चाहिए फिलहाल टाइम बिंग, वी लाइक द बिजनेस, बिजनेस काफ़ी असेट लाइट मॉडल है मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से उनकी रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं, करीब 50% के आसपास का उनका आर ओ सी है, मार्जिन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है,
एक लीडर है अपने सेगमेंट में जहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है, नंबर भी काफ़ी अच्छे देखे हमने। मैं समझता हूँ ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आया हुआ है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है अगर आपने स्टॉक पहले से लिया हुआ है तो इसे होल्ड करें जी। तो होल्ड करने की सलाह है सिम्फनी, अभी भी 18 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस बीच मारुति सुजुकी की ओर से कुछ एक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एक बार शेयर को देख लेते हैं। और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक वो अपने एक्सपेंशन पर कुछ एक कमेंट्स कर रहे हैं कि जो नेक्सा आउटलेट्स हैं उसको वो एक्सपेंड करेंगे बाय मार्च 2017 और करीब करीब 250 आउटलेट्स तक वो करेंगे। और इसके अलावा वो उनकी प्रोजेक्शंस हैं कि 2020 तक जो कंट्रीब्यूशन आएगा नेक्सा की ओर से वो 15% से ज़्यादा आ सकता है कंपनी के ओवरऑल सेल्स में। तो ये कुछ वाइब्रेंट प्रोजेक्शंस मारुति सुजुकी की ओर से उटलेट्स को लेकर। सुरेश, गुड मॉर्निंग, क्या